हेलो एवरीवन, आई पंकज वासने वेलकम यू इन अनदर पीपीटी का लाइव सेशन ऑफ मैथमेटिकल लिटरेसी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम फ्रॉम मैथ पीपीटी प्रैक्टिस आइटम पेज थर्ड इश्यूड बाई केबीएस। आई होप आप सब लोगों को ये जो प्रैक्टिस आइटम है वो मिल गए होंगे। अगर आपको अभी तक ये प्रैक्टिस आइटम नहीं मिले हैं तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके इसको मंगा लीजिए अपने व्हाट्सएप पर। और ये जो प्रैक्टिस आइटम है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो सेशन एंडिंग एग्जाम है उसमें फ्रॉम क्लास 6th to 9th and 11th और 10th के स्टूडेंट के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सेशन एंडिंग एग्जाम में। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, इसीलिए ओके। तो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो वी हैव टू स्टार्ट नंबर वन विद कैलेंडर। नंबर वन विद कैलेंडर। कैलेंडर्स आर हंग प्रोमिनेंटली इन होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेज, so there may rarely be anyone who is not familiar with this arrangement of number in seven columns and seven rows। यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है जिसमें आपके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। एंड टुडे वी डिस्कस द फैसिनेटिंग पैटर्न दैट इमर्ज आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। आज हम कुछ अरेंजमेंट देखेंगे इसके, कि इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको आपने नजरअंदाज किया है अभी तक। इस पैटर्न को आज हम फॉलो करेंगे और उस पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और आपको उसके आंसर भी देने हैं, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, फाइंड द मीन एंड सम ऑफ ऑल नंबर इन कॉलम नंबर थर्ड। आपको कॉलम नंबर थर्ड में 1 2 3 ये जो कॉलम है आपके पास, इस कॉलम के सभी नंबर का सम निकालना है और इसका मीन निकालना है, ओके। कॉलम थर्ड वे नंबर आर 2 9 16 23 30, आपको क्या करना है, आपको इसका सम निकालना है सभी नंबर्स का और इसका मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज। आवाज सही आ रही है? तो बताइए भाई, आपको क्या करना है, आपको इन सभी नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है और इन सभी नंबर्स का मीन निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें बड़ा अच्छा पैटर्न क्या है इसके अंदर, आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ इसमें एक बड़ा खास पैटर्न होता है कि इसका जो मीन होगा वो हमेशा ये नंबर होगा जो मिडिल में है। यहाँ पर जो मीन है वो हमेशा मिडिल वाला नंबर होगा। कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और जब एक बार आपको मीन मिल जाएगा तो आगे का काम तो आपका बहुत आसान है। मीन 16 है तो सम कितना हो जाएगा, 16 × 5 नंबर आते हैं, तो सम हो गया कितना, 16 × 5 यानी सम आपके पास आ जाएगा 80। सम आपके पास कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपके पास 80। तो आप इसको बहुत आसानी से आपने इसको एक प्रॉपर्टी को देखा। अच्छा अब जब आप कैलेंडर को ऑब्जर्व करें तो एक बात और देखिएगा, आप किसी भी मंथ का कैलेंडर ले लीजिएगा, है ना, जो कॉलम होंगे इनके वो हमेशा सेम होंगे। आप इसको चेक करिएगा, जो जैसे ये फर्स्ट कॉलम है 1 8 15 22 29, तो आप किसी भी मंथ का किसी भी ईयर का आप कैलेंडर उठा लीजिएगा, जो ऑर्डर होगा वो यही होगा 1 8 15 22 29 या 4 11 18 25, यही ऑर्डर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऑब्जर्व करिएगा डिफरेंट डिफरेंट कैलेंडर्स को लेके। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाउ टेल मी Instantly the mean and sum of all number in row 4। अब की बार आपको किसमें आना है, 1 2 3 4 row 4 का बताना है,
और बहुत जल्दी, है ना। इस बार हमें कोई प्लस कर कर नहीं देखना है, जैसे पिछली बार आपने प्लस कर कर देखा था, इस बार आपको उस तरीके से प्लस कर कर नहीं देखना है। आपको इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करना है और बताना है कि इसका मीन क्या आएगा एंड सम ऑफ ऑल नंबर इन दिस पर्टिकुलर रो। फास्ट आपको इसका रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसके पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए नंबर आने, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। जतिन बता रहे हैं कि मीन आएगा 24। गुड, मीन इज 24, वेरी गुड। अब फटाफट से आप इसका मुझे सम भी बता दीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर से यहां पर इसका सम भी बता दीजिए। अगर मीन 24 है तो सम कितना हो जाएगा? मीन आपने 24 निकाल लिया इसका, तो यहाँ सम कितना हो जाएगा इसका? सम हो जाएगा 24 × 7। सिंपल, कुछ नहीं करना हमने, कोई प्लस कर कर नहीं देखना है। 24 × 7 कर देंगे और बहुत स्टूडेंट के सही आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। तो आपको केवल क्या करना है, 24 × 7 कर देना है। यश कुमार बता रहे हैं कि इसका आंसर 168 होगा। वेरी गुड। शिवांश गुप्ता भी बता रहे हैं कि इसका आंसर 168 होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा। चलिए और इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की भी इसकी डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट मी शो अ रेक्टेंगल ऑफ नंबर इन दिस कैलेंडर। अब की बार हमने क्या करा है, अब की बार हमने इसमें एक रेक्टेंगल ले लिया है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हमें शो हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान से, कैन यू फाइंड द मैजिक इन इट। इसके अंदर क्या मैजिक है उसको देखिए आप। तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करने हैं द डायगोनली अपोजिट नंबर। डायगोनली अपोजिट नंबर कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर जो 8 है, 8 इसका डायगोनली अपोजिट क्या होगा, 18। आप 8 + 18 फाइंड आउट करिए कितना आ रहा है, तो 8 + 18 आ जाएगा 26, राइट। फिर आप इस डायगोनल को लीजिए, 15 and 11, 15 + 11 ये भी आ गया 26, 9 + 17 26, 16 + 10 26। तो बहुत ही आसानी से देखिए यहां पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायगोनली अपोजिट नंबर जो नंबर्स हैं उनका सम सेम आ रहा है, अब इसका फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ मीन पूछता हूं आपसे, तो क्योंकि इवन नंबर है ना, तो मिडिल में तो कोई है नहीं है यहाँ पर, तो मीन निकालने के लिए हम पता है क्या करेंगे, केवल इसका मीन क्या होगा कोई मुझे बता सकता है? मीन आप समझते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ट्रेडिशनल वे तो क्या है कि हम इन सबको प्लस करें और फिर उसको 8 से डिवाइड करें, ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे। अब इसका मैजिक लगाइए तो क्या आएगा इसका मीन? कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि मीन 26 होगा, नहीं 26 नहीं होगा। आप कुछ कुछ सही पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, कुछ कुछ आप सही पहुंच रहे हैं। इन सब का मीन कितना हो जाएगा देखिए, ट्वेंटी सिक्स होगा, नहीं 26 नहीं होगा। इन सब का मीन देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, इसका हाफ कर देना, मीन हो जाएगा 26/2 इज इक्वल 30। यहां पर जो इनका मीन आएगा इन सभी नंबर का वो आएगा 30। ओके, तो जब इवन नंबर वाला केस हो तो बहुत ही आसान सा काम आपको क्या करना है, डायगोनली अपोजिट एलिमेंट का सम निकालना है और उसका हाफ कर देना, ठीक है। और अगर ऑड नंबर हो तो बहुत ही आसान है, आप मिडिल वाला फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट ने आंसर देने स्टार्ट भी कर दिए, हर्ष यादव बता रहे हैं 13 आएगा और मनोज कुमार भी बता रहे हैं 13 आएगा, राजेश पाल 13, गुड। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं इसके, तो मैं अब समझता हूँ कि आप अगले क्वेश्चन का आंसर तो मुझे क्विकली दे देंगे तुरंत, ठीक है। तो आते हैं अगले पेज पर। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट द मैजिक हैपन इन दिस मंथ ओनली। आपने ये देखा होगा कि मैंने एक ही मंथ लिया था, जून 2020। तो ऐसा नहीं है कि खाली इसी मंथ में ये मैजिक चल रहा है, ये मैजिक किसी भी मंथ में चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं किसी
और मंथ को लेकर। तो हमने अब की बार लिया है मार्च 2020। अब मार्च 2020 में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जिसको मैंने ग्रीन पेन से उसका बॉर्डर बनाया हुआ है। अब आपको बताना है कि ग्रीन पेन से जो हमने बॉर्डर बनाया हुआ है इसका मीन क्या है और सम ऑफ ऑल नंबर हमें ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें मीन भी फाइंड आउट करना है, हमें सम ऑफ ऑल नंबर भी फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका मीन क्या आएगा और सम ऑफ ऑल नंबर क्या आएगा। अब तो आपको तुरंत निकालना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इस बार आपको। हर्ष से भी ज्यादा बता रहे हैं कि 16 आएगा। ओके, अभी चेक करते हैं हर्ष से। दौलत राम मीना जी बता रहे हैं कि 16 आएगा। सूर्यकांत राजपूत 16, प्रखर प्रभात 16। गुड, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को पकड़ पा रहे हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए अभी हमने कैसे मीन निकालना, हमारे पास दो तरीके हो गए। ओके, आइदर हमें क्या करना है कि हमें ये जो डायगोनली अपोजिट एंगल हैं, एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को लेकर इनको प्लस करके इसका हाफ कर देना है। 1 + 31, 32/2 इज 16। और अगर ऑड नंबर हो, जो कि इस केस में था, ऑड नंबर हो तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जो मिडिल में होगा वो नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो मीन है वो कितना हो गया, पहले तो आपने देखा होगा वो डायगोनली अपोजिट का सम, तो यहाँ भी सभी का 32 ही आ रहा है। हम बात कर रहे थे मीन की, तो यहाँ जो मिडिल टर्म है वो 16 है, इसलिए मीन क्या हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। ओके, अब हमारा दूसरा टास्क आता है, इन सबका सम कितना होगा। काउंट करिए कितने हैं, ये 15 नंबर्स हैं। इन 15 नंबर्स का सम क्या आएगा ये अब हमको फाइंड करना है, हमारा ये दूसरा टास्क है हमारा। और ये आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, हर्षित और अतुल। हर्षित बता रहे हैं 24 to 240। गुड, दीपिका 240। अब तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा इसका, है ना। तो आपको करना क्या है, केवल केवल क्या चेक करना था आपको, इसमें कितने हमारे पास यहाँ कितने नंबर्स हैं, 15 हैं और मीन है उनका 16। तो यहाँ पर जो इसका सम होगा वो हो जाएगा 16 × 15 = 240। 16 × 15 = 240। गुड, बहुत लोग सही सही आंसर दे रहे हैं, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब की बार फाइंड द मीन एंड सम ऑफ ऑल डेज ऑफ जनवरी 2020, पूरे महीने का निकालना है अब की बार आपको मीन और सम ऑफ ऑल डेज। इस बार तो आप मुझे तुरंत आंसर दे देंगे, अच्छी बात क्या है। जनवरी में 31 डेज होते हैं जो कि ऑड है, ऑड है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मीन, और इसका जो सम है वो बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई करिए इसको जरा आप। तो देखिए कुछ स्टूडेंट ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही तेजी से अब आप आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो फिर से वही पुरानी वाली बात आती है कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दें। 1 + 31 = 32/2 = 16, फर्स्ट वे। और क्योंकि ऑड नंबर थे तो जो मिडिल में नंबर था उसको हम ले लेते हैं, हम 16 को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मीन होगा इसका वो बहुत ही आसानी से 16 आ रहा है, जो कि काफी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। सही है, अब दूसरा टास्क था इसका सम निकालना। एज देयर आर 31 डेज इन जनवरी, तो हमको क्या करना है, बस 16 × 31 कर देना है सम को फाइंड आउट करने के लिए। और काफी स्टूडेंट ने सही आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं। नीतू बता रही है 496, शिवान 469। नहीं बेटा देखो एक बार और चेक करो। नरेंद्र बता रहे हैं 496, दीपिका 496, हर्षित 496। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर बहुत सही सही आ रहे हैं। अब देखिए तो सही आंसर क्या है, 496 ही है इसका सही आंसर। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा कि इस कैलेंडर के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें छुपी हुई है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं,
एक लेते हैं, अब की बार हम लेते हैं इसमें इवन वाला केस, ऑड वाला केस नहीं लेंगे, हमने लिया है इवन वाला केस, निकालिए। अब उसका मीन बताइए, और सम ऑफ ऑल डेज, इस बार जो हमने सेट लिया है वो इवन लिया है, हमारे पास कितने नंबर थे इस बार देखिए, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और 4 बाई 4 का है तो 16 हो जाएंगे ये। इस कंडीशन में मीन क्या होगा, इस कंडीशन में सम क्या होगा, यह अब हमको फाइंड आउट करना है। 16 है, उस कंडीशन में मीन क्या होगा और उस कंडीशन में सम कितना होगा हमारा। कुछ बता रहे हैं कि 16 है, कुछ 13, कुछ 8 बता रहे हैं इसका आंसर। अभी देखते हैं सही आंसर क्या है। नंद किशोर बता रहे हैं 16 है, सुपासना शर्मा मीन बता रही है 13, हर्षित यादव 8। आप अभी रिकॉल करिए, हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इवन वाला केस होता है तो क्या करते हैं, जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स हैं उनको प्लस करके उसका हाफ कर देते हैं। तो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 25, 4 22 है ना, 2 24, 3 23। तो आप इनका सम कर लीजिए, 1 और 25 कितने हो गए, 26, और 26 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 2, दिस इज 13 है ना। और बहुत अच्छी बात है कि काफी बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ना। अब दूसरा टास्क है हमारा सम निकालना है, तो सम तो आपको अब तक पूरी पिक्चर क्लियर हो ही चुकी है, आपको मीन निकालना है और मीन निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ डेज से। यहाँ कितने दिन थे हमारे पास, यहाँ हमारे पास थे 16 डेज, तो हम 13 × 16 कर देंगे और काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। मयूर, शिवान सही आंसर दे रहे हैं, ये नरेंद्र भी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 208 आएगा, ठीक है। इस तरह के पैटर्न को पहचानिए और ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे अगर आपने उनको पहले से देख रखा होगा तो आप और स्टूडेंट के मुकाबले इस चीज को ज्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुई हमारी कैलेंडर वाली बात, अब हम एक अगली कॉलम पर आते हैं, ये आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम अगली कॉलम पर आते हैं जो कि है ओके हियर, द ग्राफ गिवन बिलो शोज हाउ थ्री रनर्स ऋषभ मोहित एंड आशीष, ऋषभ को हम ए बोल रहे हैं, मोहित को बी बोल रहे हैं और आशीष को हम सी बोल रहे हैं, रन अ 200 मीटर रेस इन इंटर IIT चैंपियनशिप। एक चैंपियनशिप हुई है, एक रेस हुई है इनकी, और रेस में जो टाइम था और जो डिस्टेंस था उसके बीच में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया है, ओके। हमने क्या करा है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसमें हमने बना दिया है, ओके। अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। वी टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंसेस ऑन द वाई एक्सिस, अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच रनर वॉन द रेस, आपको इस ग्राफ को देखना है और मुझे बताना है कि कौन यहाँ पर रेस जीता है, इज इट ऋषभ, ए ऋषभ, बी मोहित और सी आशीष। यहाँ रेस कौन जीता है ये अब हमको बताना है, क्या वो रेस ऋषभ ने जीती है, मोहित ने जीती है, आशीष ने जीती है। आप ये हमेशा याद रखिए बेटा, चाहे पीसा हो चाहे सीसीटी हो, वहां पर एक क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड होगा वो जरूर आपसे पूछा जाएगा, आपको ग्राफ को रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत जरूरी पार्ट है हमारे सीसीटी का। तो यहाँ कौन रेस जीत रहा है, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं और ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ए, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ रेस बहुत क्लियर था, देखिए आपको क्या देखना है, रेस कौन जीतता है जिसको सबसे कम टाइम लगा होता है। तो क्लियरली देखिए ए को कितना टाइम लगा है यहाँ पर, 9 सेकेंड, ऐसे बी का टाइम देखिए और सी का टाइम देखिए। तो जो यहाँ सबसे कम टाइम था वो किसने लिया था, सबसे कम टाइम था ए ने लिया था जो कि 9 सेकेंड था। तो यहाँ रेस कौन जीत गया, रेस जीत गया ए, तो आंसर इज करेक्ट, ऋषभ वॉन द रेस।
वेरी गुड, ये तो सभी स्टूडेंट ने लगभग सही आंसर दिया है, दैट्स वेरी गुड। आपको ग्राफ को रीड करना आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। Which runner stopped for a rest and how long did he stop for? आपको बताना है कि इस रेस में इन तीनों रनर में से कौन रुका था और कितनी देर के लिए रुका था, कौन रुका है और कितनी देर के लिए रुका है, ये हमको फाइंड आउट करना है इसमें। अब आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, सभी लोगों का कहना है कि सी रनर जो है वो स्टॉप हुआ था। दीपिका बता रही है सी, सुकन्या सी, गुड, नंद किशोर सी, प्रमोद सी, सभी स्टूडेंट ने आंसर दिया है सी, गुड। आप तो बिल्कुल ग्राफ जब आप बनाते हैं, साइंस में भी आपने ग्राफ लिए हैं, मैथ में भी आपने ग्राफ लिए हैं, तो स्टॉप होने का क्या मीनिंग है कि वहां पर जो आपकी जो ग्राफ है उसमें डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, और जब डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका ग्राफ पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस से। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जब हम इसकी बात कर रहे थे, इस सी वाले का ग्राफ देख रहे थे, इससे पहले बहुत तेजी से भागना स्टार्ट किया, सबसे आगे चल रहा था ये, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ देर के लिए रुक गया है यहाँ पर। तो यहाँ इसका जो ग्राफ था वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। इसमें बिल्कुल भी डिस्टेंस ना कम हो रही थी ना ज्यादा हो रही थी, यानी ये कौन सी कंडीशन है, ये है इसकी वो कंडीशन जब ये रेस्ट कर रहा था इस जगह पर। ठीक है, तो रनर सी आशीष स्टॉप फॉर रेस्ट एट 100 मीटर, 100 मीटर के टाइम पर ये रुका था। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था इसमें, हाउ लॉन्ग, कितनी देर रुका था ये और बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग, तो वो टाइम देखना है कहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए उसने ये टाइम कितना है, इसको जरा इसको ध्यान से देखना, ये बिल्कुल मिडिल में है, इट इज जस्ट बिटवीन 9 एंड 10.5, 9 और 10.5 के बीच में कितने नंबर होते हैं, अभी ये एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है इसका, लेकिन 9 और 10.5 के बीच में आपका 1.5 होता है, उसका आप हाफ करिए आपके पास आ जाएगा 0.75, तो यहाँ पर ये हो गया 9.75, 9.75। और कहाँ से इसने रुकना स्टार्ट किया था, रुकना स्टार्ट किया था 6 से। ओके, तो कितनी देर के लिए रुका है आप ध्यान से देखिए, 9.75 माइनस 6 इज इक्वल 3.75 सेकेंड, तो ये कितनी देर के लिए रुका है, ये रुका है 3.75, ये 4.75 दे रहे हैं हर से, बेटा थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में हो गई है मिस्टेक, आप आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है ना। तो वेकांता बता रहे हैं कि इसका आंसर है वो है 3.75, वेरी गुड। तो अभी आपसे क्लियर हो चुका होगा, एक बात हमें बहुत क्लियर हो गई है कि जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस वो जो पोजीशन है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट की कंडीशन में आ गया है, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसी पर बेस्ड, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। If runner C would not have stopped and maintained his average speed till the end, how long will he take to complete the run? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सी था, जब इसने रेस्ट किया था रनर सी ने, अगर ये रेस्ट नहीं करता तो ये इस रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको एक्चुअली टाइम कितना लगा है, एक्चुअली टाइम लगा है 12.75, सेम वही पुरानी कंडीशन है, 12 और 13.5 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास 1.5 आता है, उसका हाफ करेंगे 0.75 हो जाएगा, तो इसको जो एक्चुअल टाइम लगा है वो कितना लगा है, 12.75। अब आपको बताना है कि अगर ये रुकता नहीं तो इसको कितना टाइम लगता, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आंसर आ रहा है अतुल वशिष्ठ बता रहे हैं कि 9.75 होगा, अभी देखते हैं बेटा, टैक विद वीके ये बता रहे हैं कि 9 सेकंड टाइम लगेगा, अभी डिस्कस करते हैं इसको हम। हर्षित यादव बता रहे हैं 9.5, दौलत राम 9, ओके ओके गुड, काफी आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, अभी अभी हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसने रेस्ट कितनी देर के लिए किया था,
स्टॉक फॉर 3.75 सेकंड, अभी निकाला था जस्ट पिछली स्लाइड में है ना, ये 3.75 सेकंड के लिए रुका था। हम जब ये 3.75 के लिए रुक गया था और 12.75 से टोटल टाइम इस समय लिया है, तो अगर ये नहीं रुकता तो इसको कितना टाइम लगता? इसको लगते 9 सेकंड, इसको 9 सेकंड लगते हैं। तो जिन लोगों ने 9 सेकंड आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने ये आंसर दिया था, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो एग्जैक्ट टाइम लगेगा इसको, वो लगेगा 9 सेकंड है ना, और अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल बराबरी कर लेता ए के साथ है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द रनर बी टेक टू कंप्लीट द रेस? अभी तो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, अब तो आप तुरंत बता देंगे। आपको बताना है रनर बी को कितना टाइम लगा है इस रेस को कंप्लीट करने में। आई रिपीट द क्वेश्चन, आपको बताना है रनर बी को कितना टाइम लगा है इस रेस को कंप्लीट करने में। रनर बी को बहुत सरल है, तुरंत बता देंगे आप। बहुत तेजी से आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं इसके, तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ग्राफ को रीड करना ये ऐसा लग रहा है कि काफी तेजी से आंसर आ रहे हैं इसके। यस 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 यस, सभी के आंसर लगभग लगभग सही है। रनर बी को कितना टाइम लगा है, बहुत क्लियर है, हमें एक्स एक्सिस पर आ जाना है क्लियरली बस। तो जब हम एक्स एक्सिस पर यहाँ आते हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है, देखिए हमें लग रहा है 10.5 सेकेंड। तो रनर बी को जो रेस को कंप्लीट करने में टाइम लगा है 10.5 सेकंड लगा है, ठीक है। काफी लोगों ने अच्छे आंसर दिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ग्राफ को रीड करना सीख लीजिए, ये आपको मैथ में ही नहीं साइंस में भी काम आएगा और बाकी सब्जेक्ट में। अब तो आपको पता है कि और सब्जेक्ट में भी सीसीटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या वो हिंदी हो, ठीक है ना। तो इस पर आप अब ध्यान देना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पर। हम इंडियन प्रीमियर लीग 2019, 2000 आईपीएल है ना, मैच आज चल भी रहा है ना, इंडिया और इंग्लैंड का, अब वो देख ही रहेंगे उसको। टू फ्रेंड्स आर्यन एंड ऋषभ वर डिस्कसिंग टेलीफोनिकली अबाउट IPL 2020। दे वर हैविंग डिस्कशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ जे बेयर स्टो बेयर स्टो इन द आईपीएल 2019। जे बेयर स्टो शोड हिज बैटिंग प्रोवेस इन हिज मेडन आईपीएल सीजन इन 2019, स्कोरिंग 445 रन इन 10 इनिंग, एंड हिज पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलियन डेविड वार्नर वाज वन ऑफ द मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ द टूर्नामेंट। हम यहां से क्या कर रहे हैं? हम एक डेटा ले रहे हैं आईपीएल से और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आईपीएल से हमने एक इंफॉर्मेशन यहाँ से ली है, वो इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास टॉप 7 हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल 2019। तो हमने आईपीएल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो इंफॉर्मेशन है हमारे पास टॉप 7 हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल। ओके, और यहाँ पर ये स्कोर किस किस के हैं देखिए, बेयरस्टो के हैं 114 रन, 56 बॉल इसने यूज करी थी 114 रन को बनाने के लिए, संजू सैमसंग 102, 55 बॉल्स, डेविड वार्नर 100 रन यूज 55 बॉल्स, केएल राहुल 100 रन यूज 64 बॉल्स, पृथ्वी शॉ 99, 55 बॉल, क्रिस गेल 99, 64 बॉल्स, शिखर धवन 97, 63 बॉल्स। ये उन्होंने यूज करी थी, सही है ना। अब आप जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी टेबल पर बेस्ड आएंगे, इसी टेबल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपसे अभी डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो करते हैं डिस्कस। फाइंड द मीन ऑफ रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर शो इन द टेबल बिलो। इस टेबल में जो आपको प्लेयर दिखाई दे रहे हैं आपको उनके रन का मीन निकालना है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आप कैलेंडर वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप कैलेंडर वाली ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रन है 114, 102, 100, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते तो यहाँ पर हम कैलेंडर वाली ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते थे, पर इस जगह हम कैलेंडर वाली ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थीके? तो बताइए इसका मीन कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे फाइंड कीजिए इसका मीन। ठीक ओके, जब हम इसका मीन निकालेंगे तो हमको केवल करना क्या है बेटा, मीन निकालने के लिए हमें सम ऑफ ऑल रन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो 114 प्लस 102 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 97 और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। शिवांश गुप्ता बता रहे हैं कि आंसर 100 आ रहा है। टैट विद वी के बता रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो 101 आ रहा है। अभी चेक करते हैं बेटा आपका आंसर। ओके, हम सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 711 डिवाइडेड बाई 7, 711 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास सही आंसर आ रहा है 101.57। आप इसको अप्रोक्स 101 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट ने 101 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। भारती और योगेश बता रहे हैं कि इसका आंसर 101 आएगा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी पर बेस्ड फाइंड द मोड ऑफ रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर। अब आपको मोड फाइंड करना है। आपने पढ़ा होगा सभी ने, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं मीन मीडियन मोड। तो अब इसको आपको मोड निकालना है और मोड के बारे में आप जानते हैं। मोड मीन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, वो टर्म जो सबसे ज्यादा आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड। तो देखिए इसका मोड क्या होगा। इसका मोड दीपिका बता रही है कि इसका मोड 100 होगा और वेंकटा साई बता रहे हैं कि इसका मोड 100 और 99 दोनों ही होंगे। ओके, अभी देखते हैं बेटा। दीपिका बता रही है 99, अतुल बता रहे हैं 101, ये पिछले का आंसर दे रहे हैं आई थिंक। ओके, भारती भी बता रही है कि इसका जो आंसर है वो 199 होगा। तो बहुत क्लियर है आपको अभी तक। ठीक है ना, मोड मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर, कौन सा स्कोर है जो यहाँ सबसे ज्यादा आया है, कौन सा स्कोर सबसे ज्यादा आया है, ध्यान से देखिए। 114 वन टाइम, 102 वन टाइम, 100 आया है टू टाइम, 99 टू टाइम, 97 वन टाइम। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोड का, मोड मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट। और यहाँ पर 100 भी टू टाइम आया है, 99 भी टू टाइम आया है, तो हमारे दोनों ही आंसर इस कंडीशन में सही होंगे। ओके, जो मोड ऑफ रन स्कोर है वो 100 भी होगा और वो 99 भी होगा। और काफी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, आदित्य सही बता रहे हैं, गुड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर होगा आई थिंक। मोड निकाला यहाँ पर हमने इसका, और बात करते हैं आगे सीधे बेस क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर। मीडियन बतानी है अब आपको, मीडियन तो बताना बहुत आसान काम है यहाँ पे। मीडियन मीन्स द मिडिल टर्म When your data is arranged either in increasing order or decreasing order, okay? तो यहाँ पर ये तो हमको बहुत ही क्लियर है कि हमारा डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है आउट ऑफ द 7 टर्म। ये आंसर तो तुरंत आने चाहिए और आने स्टार्ट भी हो गए हैं ना। दीपिका वेंकटा बता रहे हैं कि इसका 100 होगा, सूर्यांश सिंह बता रहे हैं 100 होगा। बहुत ही सरल था, देखिए
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर हमारे पास, और 7 और है, तो जो मीडियम होती थी वो होती है एन प्लस वन अपॉइंट टू एक्स टर्म, मीन्स 7 + 1/2x टर्म, और वी कैन से दैट द फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म कौन सी है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म है 100। ओके, इसका जो मीन होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, मीडियम है वो हो जाएगी 100। ओके, और काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर लिया है, इसकी जो मीडियम है वो बता रहे हैं स्टूडेंट कि वो 100 है। ओके गुड, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइंड द हाईएस्ट रन स्कोर पर बॉल अमंग द प्लेयर, आपको तीन प्लेयर में आपको दिए जा रहे हैं, केवल उन्हीं की बात करनी है। फर्स्ट वन इज शिखर धवन, शिखर धवन जिन्होंने 63 बॉल्स यूज करी थी टू मेक 97 रन। ओके, सेकंड इज बेयरस्टो, इसने 56 बॉल यूज करी थी टू मेक 140 रन। एंड केएल राहुल, वेयर इज इट, यस दिस वन, केएल राहुल यूज 64 बॉल्स टू मेक 100 रन। आपको इन तीनों में से बताना है कि किसने किसका जो है वो हाईएस्ट रन स्कोर है पर बॉल, पर बॉल किसका सबसे ज्यादा है ये बताना है। इज इट शिखर धवन और इज इट जो बेयरस्टो और इज इट केएल राहुल। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, ये बताया जा रहा है कि दिस इज बेयरस्टो, बेयरस्टो तो इसमें आंसर आ रहा है कि ये बेयरस्टो है या केएल राहुल है या शिखर धवन है। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर है बेयरस्टो, देखते हैं। चलिए तो शिखर धवन का निकालते हैं पहले, 97 रन यू 63 बॉल, 97 डिवाइडेड बाई 63 वी हैव 1.539। बेयरस्टो 140 डिवाइडेड बाई 56 वी हैव 2.035। केएल राहुल 100 अपॉन 64 इज 1.563। ओके, और यहां से आप देखें तो जो हाईएस्ट रन स्कोर था वो किसका था, हाईएस्ट रन स्कोर था बेयरस्टो का। ओके, अब आप लोग देखते होंगे कि ये हमने निकाला है पर बॉल, और इस स्कोर कार्ड के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, ये है स्ट्राइक रेट। जरा बेयरस्टो का स्ट्राइक रेट देखिए 203.57, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, स्ट्राइक रेट रिप्रेजेंट करता है कि पर 100 बॉल ये कितने रन बना रहे हैं, पर 100 बॉल कितने रन बन रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्राइक रेट। आई थिंक अब आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जो स्ट्राइक रेट होता है उससे भी हम इस आंसर को दे सकते थे, हमें पर बॉल के हिसाब से निकालने की कोई ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, पर हमने उसको फाइंड आउट किया है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं आपसे हमेशा ही कहता रहूंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं KBS आगरा रीजन की इस YouTube चैनल पर उनको देखते रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके सेशन एंडिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।